हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ओल्ड साड़ी का रीयूज। बिल्कुल न्यू ड्रेसेस हैं जो अभी तक आपने कहीं पर भी नहीं देखी होंगी। स्टाइल बिल्कुल न्यू है, तो बहुत ही अच्छे लुक क्रिएट कर पाएंगे आप इस फेस्टिवल सीजन अपनी ओल्ड साड़ी को यूज करके। तो ओल्ड साड़ी हमारे पास बहुत सारी पड़ी होती है, प्रिंट्स में भी होती हैं और एम्ब्रॉयडर्ड वाली भी होती हैं। तो हम उनको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इस वीडियो में आगे बात करेंगे। मैं आपके साथ ड्रेसेस शेयर करूंगी कि मैंने किस टाइप की ड्रेसेस को डिजाइन किया है और स्टिच किया है। तो आप इस पैटर्न को यूज करके अपने लिए आने वाले फेस्टिव्स के लिए, दिवाली या भाई दूज के लिए, आप ऐसी ड्रेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति, यू आर वॉचिंग फैशन इम्प्रेशन। लेट स्टार्ट। बात करते हैं पहले फर्स्ट आउटफिट की। ये मेरी एक प्रिंटेड साड़ी थी, ये सी ग्रीन कलर की साड़ी है। इस पर ऐसे एक प्रिंट हो रखा था, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था। और ये जो है इसका ब्लाउज पीस था, ब्लाउज पर कुछ इस टाइप का बारीक वाला छोटे वाला प्रिंट था। तो मैंने इस साड़ी को रेडी नहीं करवाया था, ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। क्योंकि मैं साड़ी कम पहनती हूँ, इसलिए मैंने इस साड़ी में से एक ड्रेस बनाई जिसमें से अभी इसका ब्लाउज भी स्टिच नहीं किया था और इस पर फॉल भी नहीं लगी थी, बिल्कुल भी रेडी नहीं की थी ये साड़ी, बिल्कुल न्यू साड़ी थी। तो मैंने इसमें से क्या करा, जो इसका प्रिंटेड वाला जो पार्ट था उसमें से अम्ब्रेला कट फुल लेंथ का, फ्लोर लेंथ का ऐसे करके घेर निकाला। ये देखिए आप, काफ़ी घेर है इसमें, फुल पूरी जो साड़ी थी उसमें से इसमें से घेर निकाला। और जब हमारी लेंथ पूरी नहीं निकलती है, जब हम अनारकली या फ्रॉक स्टाइल में लॉन्ग ड्रेस बनाते हैं, कोई भी कुर्ती बनाते हैं, तो हमें उसमें से थोड़ा सा जोड़ देना पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे एक साइड का जो पार्टीशन, जब हम फ्रंट और बैक काटते हैं तो उसमें एक साइड पे ऐसे करके जोड़ देना पड़ता है। ये देखिए आपको जोड़ दिख रहा होगा, तो इससे जो है लेंथ पूरी हो जाती है। उसके बाद जो इसके ब्लाउज वाला जो पार्ट था उसमें से मैंने इसकी ऊपर के जो योग पार्ट होता है उसको कट किया है। ये इसका योग पार्ट है और यहाँ पर एक मैंने की होल रखा था और थोड़ा सा उसको कवर करने के लिए मैंने जिस कलर का इसका प्रिंट था, उस कलर की नेट लगाई है। और इस योग पार्ट को मैंने बिल्कुल एकदम बस्ट एरिया के नीचे से अटैच करा है। अगर हमारा जैसे थोड़ा बहुत टमी फैट होता है तो हमें बिल्कुल जो कमर पर फिटिंग आती है 15 या 16 इंच का जो योग पार्ट होता है, वहाँ से जो नीचे वाला घेरा होता है उसको अटैच नहीं करना चाहिए। वहाँ से एकदम फिटिंग आ जाती है तो हमारा टम्मी जो है दिखाई देता है, हाइड नहीं हो पाता। तो अगर आपका थोड़ा सा टम्मी फैट है तो आपको अगर इस टाइप की कोई भी ड्रेस स्टिच करानी है साड़ी में से, वैसे भी स्टिच करानी है, तो आपका जो ये वाला ऊपर योग वाला पार्ट है उसको 13 या 14 इंच रख के बिल्कुल एकदम बस्ट एरिया के नीचे से ही जो घेर वाला पार्ट है उसको ज्वाइन कीजिए। तो इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है, आप वीडियो में देखिएगा, बहुत ही सुंदर लुक आती है इसकी। और जो इसकी स्लीव्स को, इसके बैक का जो नेक है उसको मैंने इस शेप में रखा है, डीप थोड़ा ट्रायंगल शेप में है। ये देखिए, ये इस टाइप से ट्रायंगल शेप में नेक है इसका, काफ़ी डीप है, तो बहुत ही अच्छी लुक आती है इसकी। और मैंने जो इसकी स्लीव्स को प्रिंटेड वाले पार्ट में से ही रखा है और थोड़ी सी अम्ब्रेला स्लीव्स में कट किया है। और इसके अंदर जो मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है वो कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है, योग पार्ट में भी, और जो हमारा स्कर्ट वाला एरिया है उसमें भी स्कर्ट जो है लाइनिंग की ही यूज़ की है अंदर। आप इसको काफ़ी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक ड्रेस बन जाती है। मैंने इसमें जो आपको, आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने यहाँ पर एक सिल्वर कलर की बेल्ट ऐड की है जो मैंने मार्केट से परचेज की थी और मैं उसको काफ़ी यूज़ करती हूँ अपनी ड्रेसेस में। तो इसको आप बेल्ट के साथ, या आप कोई डोरी भी लगवा सकते हैं, उसमें टेसल्स लगवा सकते हैं, बट बेल्ट के साथ इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी लुक। और इसका जो ये जॉर्जेट वगैरह के फैब्रिक होते हैं उसका जो फ्लो होता है काफ़ी अच्छा आता है, नीचे की तरफ आता है तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये शिफोन फैब्रिक में है तो इसमें काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है और इसमें भी काफ़ी अच्छी ड्रेस बनी है, बहुत ही प्यारी लुक आती है। और घेर भी काफ़ी ज़्यादा घेर निकाला है मैंने, इसको नीचे जो पिको नहीं करवाया मैंने, इसको बारीक बारीक ऐसे करके डबल फोल्ड करके इसको मोड़ दिया है, पूरे घेरे को मोड़ दिया है। साड़ी के ड्रेसेस जितने भी हम स्टिच करवाते हैं तो हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसको अंदर से इंटरलॉक करवाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जो धागा, साड़ी का फैब्रिक पतला होता है तो वो धागे वगैरह निकल जाते हैं तो वहां से जो स्टिचिंग खराब हो जाती है।
तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें जैसे ही इसको हम स्टिच करवा लेते हैं या हम खुद से स्टिच करते हैं तो इसको पहनने से पहले इंटरलॉक कराना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी कुर्ती काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चल पाएगी। और मैंने जब स्लीव्स बनाई तो ये जो साड़ी में थोड़ा बहुत बॉर्डर था उसको मैंने स्लीव्स को इस तरह से कट करा कि ये जो बॉर्डर है ये यहाँ पर स्लीव्स के किनारे पर आ गया। बाकी मैंने इस कुर्ती को बिल्कुल सिंपल रखा है, जितना भी इसका ये वाला ऐसे वाला प्रिंट में ही जो बॉर्डर था मैंने सारा रिमूव कर दिया था, उसको मैंने कहीं पर भी कुर्ती में ऐड नहीं किया। सेकंड जो मेरी कुर्ती है ये एक ग्रीन लेमन ग्रीन कलर की साड़ी थी, जिसमें आपके हमारे पास कई बार ऐसी साड़ीज होती हैं जिनमें जो नीचे वाला जो पार्ट होता है स्कर्ट वाला एरिया होता है उसमें ऐसी एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है और ऊपर का पार्ट प्लेन होता है और पल्ले पर भी एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है। तो मतलब जो पूरी साड़ी होती है एक ही कलर की एक ही फैब्रिक की होती है, बट उसमें जो नीचे जो स्कर्ट वाला पार्ट होता है उसमें कहीं कहीं पर एम्ब्रॉयडरी या कोई हैवी एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, ऊपर की साइड जो हम साड़ी का जो पार्ट हम अंदर की साइड फोल्ड करते हैं वो प्लेन होता है और जो पल्ले पे है पल्ले पे भी वर्क होता है। तो ये साड़ी भी कुछ इसी टाइप की थी। इस साड़ी को मैंने उल्टा करके इसकी कुर्ती बनाई है, इसमें जो ये वाला जो पार्ट था ये ऊपर का पार्ट था और जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है ये नीचे का स्कर्ट एरिया था। तो मैंने इस फैब्रिक को उल्टा कट किया है, सबसे पहले मैंने इसको सिंपल कुर्ती की तरह कट किया राउंड नेक में और मैंने साड़ी को उल्टा करते हुए प्लेन वाला पार्ट इसको नीचे रखा है। ये देखिए प्लेन वाला पार्ट बिल्कुल नीचे है और जो ऊपर वाली साइड मैंने जहाँ से गला कट किया है तीरा और मोटा कट किया है वहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट रखा है। तो बैक से इसकी लुक इस कुछ इस टाइप की आती है, यहाँ ऊपर से सारे में आपको एम्ब्रॉयडरी दिखाई देगी और नीचे जाकर ये बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और ये एक ए लाइन कुर्ती मैंने कट की है, ये देखिए ए लाइन कुर्ती है और मैंने फ्रंट भी इसका इसी तरह से कट किया था। ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों एक ही तरह से कट करने के बाद जो पल्लू वाला पार्ट था वो मेरे पास काफी ज्यादा बच रहा था, उसके पल्लू वाले पार्ट पर पूरी ये वाली एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी जो कि साड़ी के स्कर्ट एरिया में थी, तो ये पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। तो मुझे इस पल्लू को यूज़ करना था तो मैंने इसको तो उसी शेप में कुर्ती की शेप में ही ए शेप में कट करने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह की शेप दे दी। नीचे वाले पार्ट से इसको थोड़ा सा ऊपर रखे साइड में ऐसे मिला दिया, ये देखिए यहां से मैंने थोड़े से ऊंची कटिंग करी है और यहां पर पूरा नीचे लंबाई तक ही जोड़ा हुआ है। तो और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इसी साड़ी का बॉर्डर था, पूरी साड़ी पर था, मैंने इस बॉर्डर को और कहीं पर भी यूज नहीं किया। इसको जो मैंने वो पल्ले वाले पार्ट के ऊपर लेयरिंग की तरह अटैच करा है उस पर मैंने यहाँ से जो मेरा ये बाजू वाला जो पार्ट था वहां से लेके ये इस टाइप से पूरी एक पट्टी लगा के और यहाँ नीचे तक इसको पूरे एक बॉर्डर को लगाया है। तो ये पूरी जो कुर्ती की लुक है आप देख ही रही है कि पहनने के बाद कितनी सुंदर लुक आ रही है इस कुर्ती की। तो ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और आप इस कुर्ती को एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी या कोई आपकी प्रिंटेड हाफ एंड हाफ साड़ी होती है जिसमें नीचे की साइड प्रिंट होता है ऊपर की साइड प्लेन होती है तो आप उसको भी उल्टा करके जो प्रिंट या एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है आप उसको ऊपर योक पार्ट पर रख सकते हैं और जो नीचे घेरे वाला पार्ट आएगा आप उसको नीचे की साइड रख सकते हैं। ये देखिए इसका जो साड़ी का फैब्रिक है वो जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसको मैंने अपने रेड रेयन के प्लाजो के साथ वियर किया है और मैंने इसके साथ ये एक नेट का दुपट्टा मार्केट से परचेज किया था फ्रिल वाला। ये देखिए फ्रिल वाले दुपट्टे के साथ जब हम कोई भी चीज़ कुर्ती या कुछ भी हम कैरी करते हैं काफ़ी अच्छी लुक आ जाती है इसकी, तो मैंने इस दुपट्टे और रेड प्लाजो के साथ इसको कैरी किया है। तो मतलब और मैंने इसका जो नेक है वो भी बिल्कुल सिंपल राउंड में रखा है, फ्रंट और बैक से सेम है बिल्कुल राउंड में रखा है और ये स्लीवलेस बना है। काफ़ी अच्छी लुक आती है इस कुर्ती की, बहुत ही अच्छा एक पैटर्न है आपके लिए, बहुत अच्छा एक आइडिया है अपनी ड्रेसेस को अपनी ओल्ड साड़ी को रीस्टाइल या रीयूज करने का।
आप चाहें तो जो मैंने ये ऊपर वाला जो पार्ट लगाया है, मैंने इस पर यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं किया है, क्योंकि मैं इसके साथ या तो ऊपर बेल्ट लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि आपको ये वाला जो पार्ट है ऊपर से लूज आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक जो है डोरी का यूज़ कर सकते हैं जो कमर पे बंधेगी। उस डोरी का एक सिरा आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, दूसरा आपको कुर्ती के साथ अटैच करना होगा, जो यहाँ से ऐसे करके टाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी कमर की फिटिंग है काफ़ी अच्छी आ जाएगी, अगर आप इसके साथ एक डोरी भी अटैच कर देते हैं मैचिंग की, जैसे रेड कलर में या मल्टी कलर, जो भी आपकी साड़ी में एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो उसके साथ मैच करके आप यहाँ पे डोरी को टाई कर सकते हैं, और लटकन वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके साथ। काफ़ी कलरफुल लटकन भी लगा सकते हैं और यहाँ डोरी लगा सकते हैं। कैसे लगे आपको मेरे साड़ी रियूज के आइडियाज़ फेस्टिवल सीजन्स के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस तरह के आउटफिट को रेडी करके अपनी पुरानी साड़ी को यूज़ भी कर सकते हैं, और फेस्टिव सीजन में कुछ अलग लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इसके साथ काफ़ी तरह की एक्सेसरीज जैसे बेल्ट्स या इयररिंग्स के साथ में इसको साथ में कैरी करके काफ़ी अच्छे अच्छे लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो ये दिवाली और भाई दूज के लिए काफ़ी अच्छी ड्रेस का डिज़ाइन है, और ये आपकी खुद की क्रिएशन होगी, आपकी खुद की डिज़ाइन की हुई ड्रेस होगी, तो आपको काफी कॉन्फिडेंस भी फील होगा और काफी अच्छी लुक भी आएगी, और आपकी पुरानी साड़ी का यूज भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। बाय बाय।